Hello guys, today we are going to talk about NTA mock test for NET exam. आज हम NET exam के NTA mock test के बारे में बात करने जा रहे हैं. कई लोगों को ये doubt है कि पता नहीं क्या होगा NET mock test में and वो थोड़े घबराए हुए हैं कि ऑनलाइन कभी टेस्ट दिया नहीं तो पता नहीं कैसा होगा. तो आइए हम आज इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ऑनलाइन टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है और ये ऑफलाइन टेस्ट यानी ओएमआर बेस्ट टेस्ट से कैसे अलग है. तो इसका आज हम लाइव डेमो देखेंगे कि कैसे हम NTA mock test देकर ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कितना आसान होता है और इसकी बारीकियों को जान सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो आइए चलते हैं. पहले हम यहाँ NTA सर्च करते हैं तो इसमें दिख रहा है आपको NTA. अब ये खुल जाएगा वेबसाइट. अब देखिए इसमें यहां पर दिया हुआ है मॉक टेस्ट. अब इसको हमने क्लिक किया तो ये पेज खुल गया. अब यहां पे दो टाइप के टेस्ट अभी उपलब्ध है. पहला है जेई मेंस एंड दूसरा है यूजीसी नेट. तो हमें यूजीसी नेट पे क्लिक करना है. फिर उसके बाद हमें यहाँ यूजीसी नेट में सेलेक्ट करना है. इसमें पेपर वन तो सबके लिए कॉमन होता है तो इसमें कोई अलग पेपर नहीं है, सबके लिए एक ही पेपर है. और पेपर टू की बात करें तो इसमें पेपर टू जो है आपको देख सकते हैं आप यहाँ लगभग 40 पेपर अभी डाले गए हैं NTA की तरफ से. कॉमर्स, एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडी, आर्कियोलॉजी, बौद्धिस्ट एंड जैन, कॉमर्स कंपैरेटिव स्टडी एंड रिलीजन, क्रिमिनोलॉजी, डांस, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडी, ड्रामा एंड थिएटर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. अब हम देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए थे इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंग्लिश एंड फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, ह्यूमनिस्टिक एंड ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, इंडियन कल्चर, इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज, कार्नेटिक म्यूजिक, लॉ, मैनेजमेंट, परकसन इंस्ट्रूमेंट, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडी, प्राकृत, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, सोशल वर्क, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, वुमेन स्टडीज एंड योगा. तो ये सेकेंड पेपर जो डाले गए हैं सिर्फ 40 सब्जेक्ट के पेपर डाले गए. तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका पेपर है कि नहीं. अब चलिए हम इसमें से सपोज कीजिए फर्स्ट पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल. तो फर्स्ट पेपर को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे. तो ये देखिए ये आपका इसके बाद खुल जाएगा. सेम ऐसे आएगा आपका नेट एग्जाम जो होगा उसमें सिस्टम नेम, यहाँ पे सिस्टम नेम दिया होगा एंड देखिए यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेक्ट इनविजिलेटर इफ द नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर्स.
आपका यहाँ नेट एग्जाम जब देंगे तो यहाँ पे आपका यूजर एंड पासवर्ड मिलेगा और यहाँ पे आपका नाम और प्रैक्टिस पेपर यानी आपका पेपर वन या पेपर टू डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपका फोटो, अगर आपका फोटो अगर नहीं है तो आप इन्विजिलेटर से संपर्क कर सकते हैं उस टाइम। एंड सॉरी, तो आइए हम यहाँ बात कर रहे थे, तो आपका यहाँ नाम एंड प्रैक्टिस पेपर दिया होगा। अब चूंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अब लीजिए, मैंने लॉगिन कर दिया है। अब इसके बाद जो है आपका ये पेज डिस्प्ले होगा। इसमें क्या है, आपको यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी चेंजेस हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप अपना लैंग्वेज बाद में चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज दिए गए हैं, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसको आप अभी भी पढ़ सकते हैं, जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट का। तो लीजिए, मैं इसको अब हिंदी कर देता हूँ। हिंदी करने के बाद हम देखते हैं इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन पैनल पे आपको ये सिंबल दिखाई देंगे। इसमें क्या है कि जो व्हाइट स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक क्वेश्चन को देखा नहीं है। रेड का मतलब है यहाँ आपको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। ग्रीन का मतलब आपने प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। और यहाँ बैगनी का मतलब है कि आपने अभी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, पर प्रश्न को फिर से पुनर्विचार के लिए आपने मार्क कर लिया है। उसके बाद आता है आपको ये बैगनी कलर में भी आपको ग्रीन बबल, थोड़ा सा छोटा सा ग्रीन बबल दिख रहा है। तो प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है पर आपने इसको बाद में भी समीक्षा के लिए रखा, यानी बाद में आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये मैं इसका वही ऑप्शन जो आपने टिक किया वो रहने दें या नहीं रहने दें, तो उसके लिए आपने इसको बाद में अपने विचाराधीन रखा है, आपने इसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपको अनुदेश दिए गए, किस प्रश्न पर जाना है, किस प्रश्नों का उत्तर देना है प्रश्नों द्वारा, तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको सबसे जरूरी है सामान्य निर्देश देखना। आपके पहले प्रश्न पत्र में जो है 60 मिनट दिया होगा, 60 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और फिर आपको इसके जो बबल होगा उसका टिक कर देना है। फिर सेकंड प्रश्न पत्र के लिए यानी सेकंड पेपर के लिए आपको 120 मिनट दिया होगा, तो 120 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो आइए हम यहाँ से अब इसको, अब एक बात यहाँ आप देख सकते हैं, कृपया ध्यान दें कि सभी प्रश्न आपकी डिफॉल्ट भाषा में दिखाई देंगे। इस भाषा को बाद में किसी विशेष प्रश्न के लिए बदला जा सकता है, यानी आप जब चाहें हिंदी या इंग्लिश में कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। तो लीजिए, अब मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, इनकी शर्तें माननी पड़ेगी, आगे पढ़ने से पहले नियम शर्तें स्वीकार करें। यहाँ ये आपको पॉपअप मेनू में दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे अब इस छोटे से स्क्वायर को टिक करना होगा। इसका मतलब है कि आपने सभी निर्देशों को पढ़ लिया, समझ लिया और आप अब बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा। और देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपका जो होगा नेट एग्जाम जो होगा उसमें आपका नेम, प्रैक्टिस टेस्ट और टाइम दिखाएगा कि आपके पास एक घंटा में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका टाइम चलता रहेगा।
और यहाँ से आपको दिखता रहेगा कि कितना टाइम आपके पास शेष है क्वेश्चन करने के लिए। तो आप टाइम टाइम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास वक्त कितना बचा हुआ है, और उस हिसाब से आप अपने स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आपका सारा क्वेश्चन टाइम रहते सॉल्व हो जाए और आप सबमिट कर सके। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नॉट विजिटेड, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर्ड, ये जो है आपको जो क्वेश्चन आंसर कर देंगे आपको यहाँ नंबर दिखाएगा। नॉट विजिटेड वन मार्क फॉर रिव्यू, यानी आपने इसको बाद में चेक करने के लिए रखा है। अब यहाँ पे आंसर एंड मार्क्ड का रिव्यू भी है। अब देखिए इस पे अगर इंग्लिश में बात करें तो सेव एंड नेक्स्ट, अगर आपने क्वेश्चन कर दिया बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि आपका क्वेश्चन सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अगर आपने रिव्यू को मतलब क्वेश्चन को दोबारा भी देखना है तो आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लियर रिस्पॉन्स, सपोज कीजिए कि आपने कोई बबल इसमें टिक कर दिया है, अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रिस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा, देखिए यहाँ से हट गया। वैसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, अब जैसे आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है, आपने टिक नहीं करना है और आपने फिर यहाँ से मार्क फॉर रिव्यू कर देना है तो आगे बढ़ जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना आपको कि एग्जाम के दौरान जब तक आप पूरे क्वेश्चन ना कर लें ये सबमिट बटन क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार सबमिट बटन क्लिक कर दिया तो आपने जितना ही क्वेश्चन किया है उतना ही सबमिट हो जाएगा और आपको दोबारा से ये पेपर ओपन करने का चांस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो आइए अब हम इसको देखिए, यहाँ डाउनलोड पैनल भी है, यहाँ से आप क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हालांकि ये जो नेट एग्जाम होगा उसमें ये फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी ये अभी पता नहीं, बट यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसको हिंदी में कर देते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन आ गया। अब जैसे अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार भी है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहें, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आपने यहाँ ये जो ब्लैक पे ये टिक कर देना है और ये बड़ा हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को डाउन करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ नहीं देख सकते, इसमें क्या है कि आपको ऑप्शन देखने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर ऊपर स्क्रॉल करना है तो डायरेक्ट इस पे माउस का वो रख के भी कर सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं आप इसको। फिर लीजिए अगर मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ, सपोज कीजिए इसका आंसर ए है, तो हमने इसको कर दिया और हम कॉन्फिडेंट हैं कि आंसर ठीक है, तो हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर दो आ गया, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर दो आ गया। फिर उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो है आपको टिक कर दें, लेकिन इसमें सपोज कि दो ऑप्शन सही है लेकिन आपको डाउट है कि आपको बाद में भी टाइम अगर बचेगा तो आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर तीन क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इसको आप पढ़िए और फिर इसमें देखिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन मैंने करना नहीं है या मैंने गलती से तीन टिक कर दिया है, इसका ऑप्शन जो तीन है वो मैंने गलती से टिक कर दिया, तो अगर मैं चार करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चार कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने सेव कर दिया है और नेक्स्ट कर दिया तो फिर मेरे को उस पे जाके क्लियर रेस्पॉन्स करना पड़ेगा, तो रेस्पॉन्स क्लियर हो जाएगा फिर मैं उसको कर सकता हूँ। तो फिर इसको सपोज कीजिए कि हमने इसको
सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सपोज कीजिए हमने करना नहीं है, हमें अभी डाउट है, ये क्वेश्चन हमने बाद में करना है, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये ऐसे दिखेगा। फिर अब हम अपने उस क्वेश्चन पैनल में देखते हैं कि हमने कैसे क्वेश्चन किया हुआ। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमने कर दिया है और ये क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया, लेकिन हमने बाद में रिव्यू करना है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन हमने कर दिया है, क्वेश्चन चार हमने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। तो इस हिसाब से आप अपने पेपर को दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा नेट एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन इस बार दिसंबर 9 से दिसंबर 23 तक। तो आप यहाँ ये पेपर देके देख सकते हैं, ताकि आपको जब आप नेट पेपर देने जाएं तो कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मेरा नाम इकबाल है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।